कश्मीरी पंडितों के पलायन की कहानी पर आधारित फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित फिल्म द कश्मीर फाइल्स बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। 13 दिनों में फिल्म ने 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। द कश्मीर फाइल्स 11 मार्च को रिलीज हुई थी और इसमें अभिनेता अनुपम खेर, दर्शन कुमार, मिथुन चक्रवर्ती और पल्लवी जोशी सहित हर किरदार ने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है। हाल ही में फिल्म के मुख्य अभिनेता दर्शन कुमार ऑडियंस से मिलने थिएटर पहुंचे और फैंस से बात की। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद और जैसे जो मैंने लास्ट मोनोलॉग में बोला है पूरा जो कैंसिल है टोटल 25 मिनट का था, आपने 15 मिनट का देखा होगा, अभी वो 10 मिनट का काटना पड़ा, वो मैंने वन टेक में किया। फ्रेम बाय फ्रेम करूंगा, वो मैं दिल से दिल तक नहीं पहुंचा पाऊंगा। और जो कुछ भी आप लोगों ने सुना मेरे मुंह से उसका मैंने सब रिसर्च किया, एक एक चीज का। जैसे मैंने बोला मैंने सुना ललेश्वरी के वाक को, तो मैंने जितने भी वाक पब्लिक डोमेन में थे वो सारे सुने। जैसे मैंने देखा राजा नृत्य के शौर्य और पराक्रम को, तो उनके बारे में जो जो पब्लिक डोमेन में मैंने पढ़ा, ताकि जब मैं कन्विंस्ड होऊंगा तभी आप लोगों को कन्विंस कर सकूं। तो मैंने हम लोगों ने यही कोशिश की है पूरी टीम ने कि सिर्फ इस हर कैरेक्टर को जिए, एक्टिंग ना करें। तो आप लोगों को इसलिए शायद हमने दिल से अपनी मेहनत की और कोशिश की, आप लोगों का दिलों को छू लिया, तो नथिंग लगा। इसके बाद जब वहां मौजूद पेपराजी ने दर्शन से पूछा कि क्या फिल्म की कमाई का आधा हिस्सा कश्मीरी पंडितों को दिया जाएगा, तो उनका जवाब था, इसका राइट जवाब आई थिंक विवेक जी और जी स्टूडियो दे सकते हैं। मैं तो एक्टर हूँ, सो मेरा काम था अपनी शिद्दत से दिल से फिल्म को करना। और जो लड़ाई 32 सालों से कश्मीरी हिंदू लड़ रहे थे, जो उनकी आवाज़ नहीं सुन रहे थे लोग, जो अपना दर्द बताना चाह रहे थे, वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा था, और उसमें मैं छोटा सा एक माध्यम बना कि मैं उनकी आवाज़ सब तक पहुंचा पाया, और आज उनके संघर्ष में हर इंसान खड़ा है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। दर्शन कुमार ने अपने किरदार को लेकर बात करते हुए कहा, पहली बात तो यकीन ही हो रहा है, खुद को पिंच करता हूँ दिन में 50 बार कि ये सच है, क्योंकि हर एक्टर का एक सपना होता है कि पहले तो ये हो कि लोगों को फिल्म पसंद आए, उसके बाद ये होता है कि कैरेक्टर पसंद आए, फिल्म को बहुत पसंद ही आ रही है क्योंकि इस फिल्म को अपनी फिल्म बना लिया है और प्रमोट भी वैसे कर रहे हैं, उसे मेरे कैरेक्टर को बहुत प्यार मिल रहा है। एक कमाल का नैरेटिव सामने आया है कि अभी जो मुझे गूज़बम्स देता है कि कृष्णा पंडित कृष्णा हैं कलयुग के, और वो कौरवों की बात भी सुन रहे हैं और पांडवों की बात भी सुन रहे हैं, और सच्चाई क्लाइमेक्स में लाकर लोगों के सामने रख देते हैं। और आपको पता है अर्जुन कौन है इसमें? आप सब ऑडियंस। तो ये इस तरह का प्यार मिलना कभी सोचा नहीं था सपने में। और मेरे साथ अक्सर ये होता था कि बहुत सारे ए लिस्ट डायरेक्टर्स मुझे अपनी फिल्म में एज ए लीड कास्ट करना चाहते थे, लेकिन वो चाहते थे कि कुछ बॉक्स ऑफिस नंबर भी मिले। सो अभी मैं क्या बोलूँ कि हर एक्टर का सपना होता है कि वो 100 करोड़ में एंटर कर जाए, मैं तो एज ए लीड 100 करोड़ के क्लब में एंटर कर गया हूँ। सो या फीलिंग ब्लेस्ड। INS रिपोर्ट।